नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो पे और मेरे चैनल पे। खासकर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। रोजमर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक हर क्षेत्र पे बिजली का यूज़ होता ही होता है, जो कि है एनर्जी पावर, है ना। उसे हम कई तरह से यूज़ करते हैं, लेकिन हम जो कमर्शियल घर में यूज़ करते हैं, एक अलबत्ती दो बत्ती है ना, जो भी है, लेकिन उसका एक रेट फिक्स होता है कि हमें मंथली में इतना यूनिट यूज़ करने के बाद हमें एक अमाउंट चार्ज होता है जिसे हमें गवर्नमेंट को पे करने होते हैं, है ना। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बिजली बिल हम लोग ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल पे देख ही चुका होगा कि बिजली बिल ऑनलाइन पे कैसे करते हैं और कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, अगर आप ऑफलाइन जाते हो बिजली बिल पे करने के लिए, तो वहाँ पे देखोगे घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है, धूप में खड़ा होना है, तो बरसात के दिन है तो पानी वानी में खड़ा होना पड़ता है ना। तो वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा सुविधा नहीं मिलती कि वहाँ पे एक्स्ट्रा आप शांति से अलग से साइड में आपके लिए अलग से काउंटर बना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, सब बारी बारी एक लाइन से ही आते हैं। तो ऑनलाइन पे हमें कई सारी सुविधा मिल जाती है, जैसे कि अपन घर बैठे ही अपन बिजली बिल पे कर लेते हैं, हम कहीं आने की जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इससे क्या है, हमारा कम से कम पैसा भी बच जाता है, फ्यूल भी बच जाता है ना। और एक चीज़ और है, जैसे ऑफलाइन आप जमा करने जाते हो, मान लो आपका बिल आया 450 रुपये, ठीक है, वहाँ जाते हो आप पे करते हो, 500 का नोट देते हो वहाँ पे, तो वहाँ पे बैठा काउंटर क्या करता है, आपका जो भी अमाउंट है उसे एंटर कर देता है। एंटर करने के बाद जो आप पैसा देते हो उसे आप डायरेक्ट वो मशीन में डाल देते, और चिल्लर की बात आती है तो बोलता है कि आपका एक्स्ट्रा जो अमाउंट था उसे हमने अपने पास जमा रख लिया है, बकायदा रसीद पे भी एंट्री हो जाता है कि आपका अमाउंट इतना जमा है, जो कि आपको उस टाइम वहाँ पे नहीं मिल पाता। सिर्फ अगर जैसे फिर आप नेक्स्ट पे करने जाते हो तो वो अमाउंट वहाँ पे क्लियर होता है, ठीक है। तो एक आती है चिल्लर की प्रॉब्लम, है ना। आप इसे अगर ऑनलाइन पे करते हो तो जितना आज आपका बिल अमाउंट है सिर्फ उतना ही अमाउंट आप वहाँ पे करते हो। तो दोस्तों ये हमको बेनिफिट हो जाता है और आने जाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता, तो इसे गाड़ी का यूज़ नहीं होता, फ्यूल का भी बचत हो जाता है। नॉर्मल आप बिजली बिल जमा भी करने जाते हो तो 50-100 रुपये आपका एक्स्ट्रा खर्च होना ही होना स्वाभाविक बात है। तो आप ये सिंपल से ये सबसे बच सकते हो। तो आज के दोस्तों इस वीडियो में बताऊँ कि आप ऑनलाइन बिजली बिल कैसे पे कर सकते हो, किस ऐप के थ्रू आप पे कर सकते हो। अलग अलग स्टेट पर अलग अलग एप्लीकेशन चलते हैं, जैसे कि हम रहते हैं छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ का चलता है मोर बिजली ऐप है, जिसे हम बिजली बिल आसानी से ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और देखते हैं वो कैसे हम इसे वर्क करना रहता है, कैसे हम इंस्टॉल करना होता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन। तो दोस्तों जैसे कि हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और यहाँ पे अपन सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाएंगे, ठीक है। प्ले स्टोर पे देखना है एप्लीकेशन जो भी होता है नाम, वहाँ पे हम यहाँ पे सर्च करेंगे मोर बिजली, जैसे कि देखो फर्स्ट में आ गया मोर बिजली बिल ऐप, आप इसे देख लेना अच्छे से, है ना, स्टडी कर लेना। जैसे कि ये सिंपल से बताएगा आपको मोर छत्तीसगढ़ मोर बिजली ऐप है, जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन से है, ठीक है। आप यहाँ पे देखना, डाउनलोड नहीं किए होगे तो डाउनलोड कर लेना, है ना गाइस, और डाउनलोड है आपके में, अपडेट नहीं किए होगे तो उसे अपडेट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों डायरेक्ट इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देखेंगे इसे रजिस्टर कैसे करना होता है। रजिस्टर करवाने के लिए सबसे पहले आपका जो बिजली बिल जिसके नाम से है, ठीक है, उसके थ्रू आपके जो भी घर के मेंबर होंगे, मम्मी पापा या फिर दादा या फिर आप ही के नाम से अगर बिजली बिल होगा, तो वहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा लेना है ना। वहाँ जाके एक फॉर्म भर दें या फिर वहाँ आप जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं उससे आप ये बात करोगे तो वो आपको हेल्प कर देगा, आपको मोबाइल जो है ना आपके बिजली बिल से रजिस्टर कर देगा। उसके बाद आपको सिंपल से इस ऐप पर रजिस्टर करना होता है। सिंपल जो दो प्रोसेस होता है, फर्स्ट पहले आपका नाम और जो बिजली बिल का नंबर होता है वो, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर एक OTP आता है, ठीक है, उससे आप रजिस्टर कर सकते हैं आराम से। और इसके साथ एक नहीं कई सारे कई सारे अकाउंट कई सारे नाम से भी आप इस रजिस्टर कर सकते हैं, जैसे कि दो चार आपके घर में खाता भी है ना, बिजली बिल चलता है, तो उससे भी रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या क्या मिलता है अपने को, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिल पेमेंट, बिल हिस्ट्री, है ना, और दो चार बहुत सारे फ्यूचर मिल जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जाएंगे पेमेंट हिस्ट्री पे, देखेंगे कि हमने कब कब अपना पेमेंट किया है और कब कब हमारे पास बिल आया था। देखो यहाँ जो भी है पेमेंट हिस्ट्री दिखा देगा, जो भी डेट का रहेगा आपका, जितना अमाउंट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो और फर्स्ट आता है बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, यहाँ पे देखोगे जो भी इलेक्ट्रिसिटी आपका बिल होगा, आप यहाँ पे अपना नंबर डालोगे ना, तो आपका शो हो जाएगा जो भी नाम से रहेगा,
दिखाने के बाद यहाँ पे लास्ट आपको पेमेंट मिल जाएगा, यहाँ पे जितना आपको पेमेंट करना है जो भी अमाउंट होगा, ठीक है। अमाउंट आने के बाद इससे मैंने पेमेंट कर चुका है। और सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे यूनिट और ये डेट कब का है, 22/8 का, यानी कि ये अगस्त महीने का बिजली बिल है ना। तो इसे पेमेंट करने के लिए सबसे पहले बिल पेमेंट में जाना है। बिल पेमेंट जाने के बाद यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे अमाउंट पे कर चुका है ना, पे इसीलिए माइनस आपको 4 बता रहा है क्योंकि मैंने अमाउंट पे कर चुका है। अब यहाँ पे देखो सिंपल से बिल पे के लिए बिल डेस्क पे जाओगे, यहाँ पे प्लीज इंटर वैलिड बोल रहे हैं ना, यहाँ प्लीज इंटर नॉर्मल अपन यहाँ डालते हैं एक्स्ट्रा 10 रुपये आपको दिखाने के लिए, बाकी आपका अमाउंट जो भी होगा 200, 400, 500 है ना, ये डालना है यहाँ पे बिल पे, ठीक। उसके बाद सिंपल से आप फ़ोनपे गूगल पे यूज़ करते होगे या फिर UPI यूज़ करते होगे, तो गूगल पे है तो गूगल पे यूज़ कर लो है ना, और UPI है तो UPI से, या फिर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से अगर यूज़ करते हो तो आप उससे थ्रू पेमेंट बिल पेमेंट कर सकते हो। सिंपल सा बिल पेमेंट होने के बाद क्या प्रोसेस होता है, आपको यहाँ पे मैसेज आएगा कि आपने बिल पेमेंट कर दिया है करके पेमेंट सक्सेसफुल का आपको यहाँ पे मैसेज आएगा, जो कि है CPDC या छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से आपको मैसेज आएगा कॉन्फर्मेशन का। और इस पर एक सावधानी होता है कि आप यहाँ पे रात के 11 बजे मतलब 12 बजे से लेकर सुबह 5 या 6 बजे तक आप यहाँ पे पेमेंट नहीं कर सकते। इस पर करना भी नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे सर्वर क्या है थोड़ा सा अपडेटिंग होता रहता है, या फिर दिन भर का प्रोसेस क्या है वह लेता रहता है ना। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था। तो दोस्तों सिंपल सा तरीका होता है, ऐसे ही हमको वर्क करना होता है, सिंपल से हम ऐसे ही पे करते हैं। और ये वीडियो काफ़ी आपके काम भी आया होगा है ना दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। तो चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हेल्पलाइन वीडियो जो है मैं कंटिन्यू आपके लिए लाता रहता हूँ, और थोड़ा सा भी सपोर्ट भी करो है ना, जो से हम अच्छा खासा ग्रो भी कर सके, जैसे अभी चैनल डाउन भी है क्योंकि काफ़ी टाइम से वीडियो भी नहीं आया था है ना, तो थोड़ा सा हेल्प भी करो। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन उस पर प्रेस कर देना है गाइस। एंड थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, और चैनल पे बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आखिर ऐसी वीडियो आपके लिए आता रहे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।